सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जब आज सुबह सुबह मैं निकल रहा था तो मेरे पापा फिर पेपर पढ़ रहे थे, मतलब रेलवे के आदमी को ना, प्रतीक भाई बैठ जा, सुन ले यार, ठीक है, अनुराग इधर इधर इधर, खूबसूरत तुम्हें बहुत ज्यादा देख सकता है तू, तो एकदम एकदम सपोज कर लो मैं ऐश्वर्या वर्जिन, सॉरी आखिरी, तो उसके ऐसे क्या हुआ ना कि सुबह सुबह पापा पेपर पढ़ रहे थे और रेलवे के आदमी को पेपर पढ़ने की पता नहीं क्या, चलो तो काम तो होता नहीं है, पेपर पढ़ रहे थे तो एक न्यूज आई छपी है ना, एक 12 साल का लड़का यूनाइटेड किंगडम का, उसने घर में न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया। पापा ने पेपर देखा, मेरी तरफ देखा, पापा कह रहे हैं कि देखो कुछ सीखो, मैंने पेपर पलटा, मैंने कहा 12 साल की उम्र में इसके पास खुद का रूम है जो मेरे पास नहीं था, फोन है क्योंकि ईबे से सामान डाउनलोड किया, दूसरी बात $10,000 ना आपने देखे ना मैंने। इसके बाद इतना ही बोलना चाहता हूँ, पापा से ऐसी बातें नहीं करते, उन्होंने मारा मुझे। तो पेपर ऐसी चीज चलती है, अभी वुमेंस डे बीता है और वुमेंस डे की खास बात है ना कि फेमिनिज्म बहुत बढ़ गया इंडिया में, बहुत ज़्यादा, और अच्छी बात है, लड़कियाँ अपनी बात सामने रखती हैं, मीटू मोमेंट हुआ। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे फ्रेंड बोलती थी, मैंने उसे गर्लफ्रेंड बोला, मतलब जगत भाभी वाला सीन। तो क्या हुआ ना कि उसने मुझे ऐसे, मतलब एक बार बोला चलो फिल्म देखने चलते हैं, और ये फेमिनिस्ट लड़की ना सिद्धार्थ मल्होत्रा की बहुत बड़ी फैन थी, बहुत तो बड़ी वाली फैन, मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा रात में सपने में आ जाए ना उठ के नहाने चल जाती थी कि महकना अच्छा है। तो उसके ऐसे क्या हुआ ना कि वो बोली ऋषभ चलो चलो चलो, मतलब इतना बुरा कटा था मेरा कि 8 इंच का 6 हो गया। तो उसके आज से क्या हुआ कि वो मुझे फिल्म देखने ले गई, अब फिल्म बहुत बकवास, मतलब इतनी बकवास की पूछो मत। तो मैं फिल्म देख रहा था, फिल्म में एक गाना आया क्या कहते हैं बंदूक मेरी लैला, काफ़ी सेक्सी सॉन्ग। तो उस गाने में ना लिरिक्स आती है रफ्तार, जब इंट्रोड्यूस करता है रफ्तार सिद्धार्थ मल्होत्रा को कि रिस्पेक्ट प्यार मेरा ब्रो रफ्तार, मैंने कहा काफ़ी अच्छी इज्जत दे रहा है। थोड़ा पीछे जाते हैं तो यहाँ पे एक लाइन आती है, देख तेरे फिगर को उंगली जाए सीधे टिगर पे, मैंने कहा लड़की को भी इज्जत दे सकता था तू, उसको सेक्सिस बनाने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद यहाँ नहीं रुका लड़का सिद्धार्थ मल्होत्रा, यहाँ नहीं रुका, आगे बढ़ा, आगे गाना आया चंद्रलेखा, गाना चंद्रलेखा बहुत अच्छा, लेकिन उसकी एक लाइन आती है कि क्या कहते हैं तेरे चर्चे दर बदर है एक तू ही बेखबर है, मैं चीखा मैं चिल्लाया, बहुत अच्छी लाइन। ऐसे कोरियोग्राफर थे आदिल, तो आदिल भाई ने क्या किया ना कोरियोग्राफ करने के लिए सिद्धार्थ को ऐसे लेटाया, इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठी जैकलीन उनके ऊपर, सिद्धार्थ थ्रस्ट देते हैं, जैकलीन उठ के जाती है। मैं आदिल भाई से पूछना चाहता हूँ, भाई उक्का रख लो, तो आदिल भाई से पूछना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं इतने सारे डांस फॉर्म है, 100 तरह के डांस फॉर्म है इंडिया वर्ल्ड में पूरे, और तुझे यही मिला ये लाइन एक्सप्लेन करने को, कुछ और नहीं अवेलेबल था क्या? तो इसके ऐसे ना मैंने सोचा यार ये काफ़ी वो अजीब है, मतलब शायद लड़की ने नोटिस किया होगा। मैंने इसे पूछा कि यार तुमने देखा इसको कि क्या कहते हैं ऐसे वैसे, मतलब ये हो रहा है, तुम फेमिनिस्ट हो, नोटिस करो, इसके खिलाफ कुछ बोलो। तो कह रही कहाँ आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी, इतना तो चलता है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, शक्ल का भी मतलब होता है, सिद्धार्थ है तो फर्क नहीं पड़ा, नवाजुद्दीन होता तो केस कर देती तुम। मिनट भैया आज आप मेरा नहीं सुन रहे, बैठिए एकदम बैठिए बैठिए, अरे बैठिए अभी जगह चेंज करवाए हैं हम, पूरी जगह ही चेंज करा। तो इसके बाद से यार काफ़ी नर्वस है, इसलिए अभी यहीं पे ख़त्म करें अपना सेट, बस एक आखिरी शायरी बोल के कि हासिए से सरक चुका हूँ, हासिए से सरक चुका हूँ, खुद से भी कहीं दूर जा चुका हूँ, औरों की शिकायत क्या करूँ साहब, मैं तो खुद की गलियों में भी बदनाम हो चुका हूँ। थैंक यू।